How to fix something went wrong in FaceApp। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को जो है अपने फेस ऐप पर सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पे मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप भी इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बेसिकली दो सेटिंग्स में आपको बताऊंगा जिसके मदद से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, बहुत से लोगों का हाई एंड मोबाइल यानी कि बहुत ही एकदम ही हाई रेंज का मोबाइल जो होता है, ज़्यादातर वो फ़ोन पे ये इरर शो होता है, ठीक है, जिसका हाई रेंज का मोबाइल होता है, ठीक है। तो दोस्तों उन लोगों का भी क्या सॉल्यूशन है, और जिन लोगों को लो रेंज का मोबाइल है फिर भी शो हो रहा है तो उन लोगों का भी क्या प्रॉब्लम, या फिर किसी भी मोबाइल में आपको शो हो रहा है तो कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दो सेटिंग्स बताऊंगा, पहला सेटिंग्स रहेगा वो किसी के भी लिए भी, और सेकेंड सेटिंग्स रहेगा हाई एंड मोबाइल के लिए रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले तो आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर चले जाइए सबसे पहले, और सबसे पहले सेटिंग्स पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, एकदम नीचे आना है और आपके मोबाइल में एप्लीकेशन मैनेजर ढूंढ लेना है, ठीक है, या फिर आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड एप्स, एप्लीकेशन मैनेजर, ऐप मैनेजमेंट, इसके नाम से आपको शो होगा, ठीक है। बेसिकली आपको एप्लीकेशन पे आना है, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ढूंढना है आपका फेस ऐप। तो चलिए हम अपना फेस ऐप यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फोर्स स्टॉप कर देना है, इसे फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा इसे। उसके बाद में स्टोरेज यूसेज पे जाना है, यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक करके इसे क्लियर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको बैक आना है, बैक चले आइए, और यहाँ पे डाटा एंड यूसेज स्टेटस पे जाके, नेटवर्क एंड परमिशन पे जाके, वाईफाई एंड मोबाइल डाटा आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप बैक चले आइए, परमिशन पर चले जाइए, और ये सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, बैक आना है और अपना फेस ऐप आपको खोल लेना है, ठीक है। अभी दोस्तों फेस ऐप खोलने के बाद में दोबारा से आप ट्राई कीजिएगा, आपका जो इरर आधार था वो इरर सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि दोस्तों फिर भी आपका इरर जो है सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो केस में आपको अभी क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग्स पर जाना है अपने फेस ऐप पर। यदि आपका हाई एंड में प्रॉब्लम आ रहा है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट बग एंड सेंड लॉक्स करना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो ब्रीफली यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, और ऊपर आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में सपोज़ कि यहाँ पे बता लीजिए कि मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, आई हैव ए ERROR इरर, आई हैव ए इरर ऑफ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर कोई भी आपका इरर है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर रिपोर्ट कर देना है। रिपोर्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कुछ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये करने के बाद में जो है 24 आवर्स के अंदर में आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व किया जाएगा, यदि उनके तरफ से कोई टेक्निकल इश्यू है तब, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।